सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीयूष और आज खड़े हैं हम दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट के कर्नाटका में। यहाँ से बहुत ही सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया से यहाँ पर आते हैं एग्जाम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। कॉलेज के अंदर तो मैं टूर नहीं ले पाया, बट एक स्टूडेंट है हमारा नॉर्थ से जो कि कॉलेज के बारे में बताएगा, फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, प्लेसमेंट कैसा है, और ये तो अभी अभी है, फर्स्ट ईयर का है, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो अपने। आई एम राहुल रुद्रा फ्रॉम आईएसी ब्रांच, आई एम फ्रॉम झारखंड, धनबाद। ओके, तो झारखंड धनबाद से क्या नाम फिर से बताना? राहुल। राहुल, तो राहुल पहली बात तो दयानंद सागर में आके कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में बिकॉज इट वॉज लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बट ठीक है, अच्छा है, काइंड ऑफ बहुत बड़ा कैंपस है, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द टीचर्स फैकल्टी काइंड ऑफ उतने अच्छे नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ओके, टीचर्स फैकल्टी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, मतलब वो उतने अच्छे पढ़ा नहीं पाता। एक्चुअली दे आर लाइक कर्नाटक वंस, तो दे आर लाइक कन्नड़ बोलते हैं वो। अच्छा, कन्नड़। हाँ, बीजे कन्नड़ बोलने लगते हैं, तो इफ यू स्पीक विद इंग्लिश एवरीबॉडी डोंट हैव द फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, यू सब्जेक्ट्स आर गुड, यू आर बैड। ओके, यू आर फ्रॉम इंफॉर्मेशन साइंस। तो इनसे ये बात समझ में आ रही है कि थोड़ा बहुत टीचर जो है वो कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट ठीक है, ओवरऑल अपन देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप कॉमेट के थ्रू आए हैं। ओके, तो क्या रैंक आई थी आपकी कॉमेट के में? 3200 रैंक आई थी राहुल की, बहुत ही अच्छा रैंक होता है कॉमेट के में वैसे तो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ के फूड के बारे में बताओ कि कैसा फूड है यहाँ पे, खाना का कोई भी या फिर हॉस्टल? अच्छा, संडे को खाना नहीं देता है, फर्स्ट संडे वीक का, फर्स्ट संडे को खाना नहीं देता है। अच्छा, और सेकेंडली द थिंग इज कि यहाँ पे ये लोग ज़्यादा साउथ इंडियन नाश्ते वगैरह में आपको चावल मिलेगा, राइस, जो कि हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो अक्सर लोग नहीं खाते हैं सुबह का नाश्ता। अच्छा, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज बाकी खाना, मतलब कहीं कहीं ठीक भी है, कहीं ख़राब भी है। अच्छा, लेकिन बहुत कम ही पीजे में अच्छा खाना मिलेगा आपको। ओके, तो आप पीजी में रहते हैं? मैं पीजी में रहता हूँ, वहाँ का खाना इट्स ओके ओके, बिकॉज आगे हॉस्टल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कितना एक्सपेंसिव है? क्या, 1,60,000 फॉर इंडियन हॉस्टल फोर शेयरिंग रूम। 1,60,000 फॉर फोर शेयरिंग इंडियन हॉस्टल है यार, इट्स लाइक बहुत पुराना और रेनोवेशन नहीं कराया उसका बहुत सालों से। ओके, रिनोवेशन। अच्छा, दूसरा NRI जो अच्छे कंडीशन में तो है, लेकिन उसका फीस 2,00,000 है डबल शेयरिंग के लिए। ओके, और मैं बाहर 96,000 में रह रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं और घर पे बैठे बता रहे हैं कि कॉलेज कैसा है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ रहा है वही बता सकता है कि रियलिटी में कॉलेज कैसा है, कॉलेज की और प्लेसमेंट के बारे में कुछ आइडिया भी है। 9 साल का प्लेसमेंट आपका बहुत पिछले साल से बड़ा है, हाईएस्ट पैकेज 42,00,000 की है, एवरेज वाज काइंड ऑफ 7 एवरेज पैकेज। ये सीएससी कंप्यूटर साइंस का 9 तक है, कंप्यूटर साइंस का 9 तक है, इंफॉर्मेशन साइंस जो ये पढ़ रहे हैं उनका 7 तक गया है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गई है वो है 42,00,000 है, मतलब बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, कैंपस बड़ा है। हाँ, थोड़े बहुत फूड का हमने देखा, अगर फूड आप प्रिफर करना है तो आप बाहर रह सकते हो, आप चीप कॉस्ट प्रिफर कर रहे हो, अगर आपको बाहर रहना है तो आप थोड़े कम में पैसे बचा के बाहर रह सकते हो, हॉस्टल बहुत महंगा है। और टीचर फैकल्टीज से हमने बात की तो वो बता रहे कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जो है थोड़ा बहुत कम है, बट ओवरऑल ठीक है। और कोई ऐसी बात दयानंद सागर की जो तुम शेयर करना चाहते हो हमसे राहुल? यहाँ पर बैडमिंटन नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा है, कोई कोच नहीं है। Okay. कोई स्पोर्ट्स के लिए आपको कोई कोच नहीं मिलेगा। अच्छा, या लाइक जो सीखना है खुद से सीखो, एंड द क्लब्स आर लाइक, अभी तक तो मेरे को क्लब्स के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं है, बट आई मेट अ आईडी इन क्लब, इट्स एन इंडिपेंडेंस इन नॉन। ओके, इट्स ओके, इट्स गुड। अच्छा, ओके ओके, सो ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा राहुल से बात करके। नाउ विल हैव द नेक्स्ट कॉलेज टूर, और थैंक यू सो मच राहुल, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब, यू जस्ट आई हैव सीन योर चैनल, थैंक यू सो मच, इसने भाई मेरा वीडियो भी देखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच राहुल, तुमने बहुत ही ऑनेस्टली बात किया, पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसने पूरे कॉलेज को अच्छे से बताया, उसके बारे में बताया करूँगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।